आया था, माहौल और हालात कुछ ऐसे थे कि दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, पति को ऐसे धन को ऐसी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है कि जाते समय वह धन दौलत जागीर संग नहीं ले जा सकते। मेरे मन में कभी कभी प्रश्न उठते हैं, धीरूभाई अंबानी इतने अमीर थे, उसके पहले बिरला गए वो इतने अमीर थे, गजनी गया वो इतना अमीर था, विश्व के बड़े बड़े सम्राट चले गए वो इतने अमीर थे, क्या कभी उन्होंने ऐसा बक्सा नहीं बनाया? इस बक्से के अंदर जीवन में जितनी प्रॉपर्टी कमाई है उस बक्से में रखी जाए और मौत के समय अपनी चिता पर वो बक्से को रखा जाए और परमात्मा के द्वार पर जाने के बाद वो बक्सा खोल कर वो सारी प्रॉपर्टी फिर से वो आंखों से देख। ऐसा कोई बक्सा न बन पाया न भविष्य में बनेगा, जीवन में जो कमाया है वो संग ले जाने का रास्ता आज तक कई लोगों ने ढूंढा, किसी को भी नहीं मिला। अगर मौत के बाद संग अगर कुछ आता है तो पूरे जीवन काल में जितने लोगों को हमने सुख दिया, जितने लोगों को हमने हंसाया, जितने लोगों के हम काम आए, यही पुण्य हमारे साथ आता है, बाकी सब इधर के इधर। लोग मुझे डैशिंग आमदार के नाम से जानते हैं, मैं डैशिंग हूं। अगर किसी मजदूर पे अन्याय कोई करके देखे, कितना भी बड़ा माई का लाल हो, रामकरम उसकी कॉलर पकड़ करके उस मजदूर को न्याय दिलाएगा, किसी के बाप से डरेगा नहीं, ये रामकरम का तरीका है काम करने का। इसके लिए एक साल से मैं शांत था, तो ऐसे मत समझना कि राम कदम ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, इसके लिए राम कदम ने स्टाइल बदल दी। भाई साहब मैंने पार्टी बदली है, स्टाइल नहीं बदली, स्टाइल वही पुरानी है, नहीं सुनो तो हाथ शुरू हो जाता है। प्रयास अभी भी है, पर गए साल मैं बड़े शांति के स्वर में कह रहा था, अभी इस साल में कोई शांति के स्वर में कहने की मुद्रा में नहीं। अरे दिल्ली में भी सरकार हमारा है, महाराष्ट्र में भी सरकार हमारा है, और जिस मजदूर के नाम पे कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस फरवरी से, क्योंकि एक साल से मैं चेयरमैन ऊपर में काम नहीं देख रहा था, काम संजू और बाकी सारे लोग देख रहे थे, मैं केवल उनको कहीं तकलीफ आती है तो मैं ध्यान दे रहा था, पर आज मैं यहां पर मेरे परमात्मा को साक्षी रख करके कहने आया हूं कि 1 फरवरी से ये राम कदम रोड यूनियन का काम खुद अपने हाथों से देखेगा और मेरे नाम पर कोई तुम्हारे जेब में हाथ डालता है, मेरे नाम पर तुम्हें कोई लूटने की कोशिश करता है, राम कदम के द्वार पर आने के लिए कोई जान पहचान की आवश्यकता नहीं, घाटों पर मेरे घर चले आना, मेरा द्वार 24 घंटे आपके लिए खुला है। मैं संजू का अभिनंदन इस कारण कहता हूं करता हूं, दद्दू जी भगवती जी संजू ने मुझे गए हफ्ते में बड़ी प्यारी बात कही, मेरा छोटा भाई विजय खड़स्कर यहाँ है, अशोक दुबे जी यहाँ है, चंद्रकांत मालकर जी यहाँ है, विजय खड़स्कर और संजू ने एक बात कही और उसी बात को लेकर के मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, चुप जाओगे तो बहुत बड़ी बात न सुनी इसके लिए पछताओ। कुछ वर्षों पहले मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एक का किसी का मैंने ऑपरेशन करा दिया, वह व्यक्ति औरंगाबाद का था। कैंसर तुमको पता है एक दिन में फैल जाती है, महीने भर में तो काम तमाम हो जाता है,
वह व्यक्ति का कैंसर तीसरे स्टेज का था, केमोथेरेपी मैंने खुद करा के दी। आदमी कहां था? औरंगाबाद का। लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे कि रामकरण ये तुम्हारे चुनावी क्षेत्र का नहीं है, इसको बचाने का प्रयास करने से तुमको क्या फायदा? अरे जीवन में कभी भी हमें क्या फायदा इसके आगे जाकर के सोचना होगा। मेरे मन में यह प्रश्न आया कि उसकी मां रोएगी तो उसके भी आंसू दर्द भरे होंगे। उस औरंगाबाद वाले व्यक्ति का मैंने ऑपरेशन करा दिया और वो आदमी बच गया। इसे निकाल ले दो। डॉक्टरों ने उसके साथ वही किया, कह दिया कि इसके पास आखिरी दो दिन और वो दो दिन एक ही बात को मन में लेकर के बार बार कह रहा था, मैं राम कदम को मिलना चाहता हूं। जो भी मिलेगा उसको कह रहा था, मैंने राम कदम का चेहरा नहीं देखा, मैं राम कदम को नहीं जानता हूं, पर दो महीने पहले जो आदमी ने मुझे बचाया उस आदमी का नाम राम कदम था। दो दिन के बाद मेरी मौत होने वाली है, भगवान के द्वार पर जाने के पहले राम कदम को धन्यवाद देकर मैं भगवान के द्वार जाना चाहता हूं। सोचो मेरे मन को क्या हुआ होगा, मेरे हृदय को क्या यातना हुई होगी। उस समय मैं विदेश में था और मैं उसे मिलने जा नहीं सका, उस पे उसकी मौत हो गई। उसने अरुण को मेरे मित्र से कहा कि राम कदम का कम से कम मुझे फोटो दिखा दो कि जिस आदमी ने मेरी जान बचाने के लिए प्रयास किया उनसे कह देना इस जन्म में मैं तुमको धन्यवाद दे न सका, अगला जन्म फिर से दूंगा और तुम्हें धन्यवाद देने के लिए।